हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जैसे कि सारे जो न्यूज़ चैनल है उस पर सिर्फ लॉकडाउन और मोदी जी छाए हुए हैं, ऐसे ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर सिर्फ एक ही बात छाई हुई है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद ये डीसी वर्सेस मार्वल से बड़ा हो जाएगा। ना ही ये कोई रोस्ट वीडियो है, ना ही मैं किसी प्लेटफॉर्म के यहाँ पे साइड ले रहा हूँ, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट आई फील अबाउट दिस होल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ड्रामा। बाय द वे, मुझे नहीं लगा था कि मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब लास्ट वीक कैरी मिनाटी का वीडियो आया तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम सबको बताया। आई नो कैरी मिनाटी का वीडियो है वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब से और काफी लोग उससे गुस्सा है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ कैरी मिनाटी को और आई डोंट थिंक सो कि जो उसका वीडियो है वो डिलीट होना चाहिए था। आई होप कि यूट्यूब पे वो वीडियो वापस आ जाए। और भाई आमिर सिद्दीकी के वीडियोस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आई थिंक उसे अपनी बायो में ऐसा लिखना चाहिए कि आई मेक क्रिंज इनटू 100 वाले वीडियोस। पहले कोई टिकटॉक ट्रांजिशन नहीं है, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मैं दोपहर को शूट कर रहा हूं तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, इसलिए मैंने टी शर्ट चेंज कर दिया है। सो मैं ये बोल रहा था कि काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे क्रिंज इनटू 100 वाले वीडियोस बनाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम सारे क्रिएटर्स को हेट करें या फिर टिकटॉक को इतना हेट दें। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे जैसे भी काफी सारे लोगों के जो दोनों प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जस्ट मेक श्योर कि जो क्रिंज कंटेंट है या फिर जो कचरा कंटेंट है आप उसे प्रमोट भी ना करें और सपोर्ट भी ना करें। टिकटॉक को इतना हेट मिल रहा है आई थिंक उसके दो या तीन मेन रीजन है। सबसे पहला कि वो एक चाइनीज ऐप है, इसलिए काफी सारे इंडियंस है जो इसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं या फिर उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरा कि काफी जो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स है उसके वीडियोस टिकटॉक पे रीअपलोड करके मिलियंस ऑफ व्यूज दिए जा रहे हैं और उसके सामने ऐसा बोला जा रहा है कि हम टिकटॉक पे एक ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। और तीसरा जो रीजन है वो है क्रिंज कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्रिंज कंटेंट नहीं है, यूट्यूब पे भी क्रिंज कंटेंट है, पर यूट्यूब वो आपके होम पेज पे वो प्रमोट नहीं करता, पर टिकटॉक पे ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक है वो क्रिंज कंटेंट को आपके होम पेज पे भी प्रमोट करता है। बट इफ यू थिंक तो टिकटॉक और यूट्यूब काफी सिमिलर भी है। अगर टिकटॉक पे 15 सेकंड का क्रिंज वीडियो है तो यूट्यूब पे 15 मिनट का है। अगर टिकटॉक पे यूट्यूबर्स के वीडियोस को अपलोड करके मिलियंस ऑफ व्यूज लिए जा रहे हैं तो यूट्यूब पे भी टिकटॉकर्स के रोस्ट के वीडियोस बना के या फिर वायरल टिकटॉक वीडियो पे रिएक्शन वीडियोस बना के भी मिलियंस ऑफ व्यूज लिए जा रहे हैं। अगर यूट्यूब पे ब्रांड एंडोर्समेंट हो रहा है तो टिकटॉक पे भी ब्रांड प्रमोशन हो रहे हैं। और अगर टिकटॉक के एक ट्रेंड पे काफी सारे लोग पागलों के वीडियोस बना रहे हैं तो यूट्यूब भी उससे कोई अलग नहीं है। जस्ट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक सर्च करके आप रिजल्ट देख सकते हो। सो एज आई सेड अर्लियर दोनों प्लेटफॉर्म में वो सिमिलर है। सो इट्स नॉट अबाउट प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट क्रिएटर्स कि आप कौन से क्रिएटर का कंटेंट है वो कंज्यूम करते हैं, कौन से क्रिएटर को आप सपोर्ट करते हैं और कौन से क्रिएटर है जिसको आप प्रमोट करके एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बनाते हैं, वो सब आप पे डिपेंड है। और दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको सिमिलर कंटेंट भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग का वीडियो देखना है या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है फोटोग्राफी में या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखना है, डांस ट्यूटोरियल देखना है या फिर गैजेट्स रिलेटेड कोई वीडियो देखना है, वो आपको टिकटॉक पे भी मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आई नो यूट्यूब इज अ बिगर प्लेटफॉर्म और आई थिंक कंटेंट कैटेगरीज भी यूट्यूब पे ज्यादा ही मिलेगी आपको, बट टिकटॉक है वो भी ग्रो कर रहा है और काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी टिकटॉक पे है, जैसे कि गैरी वी, डिजिटल प्रतीक एंड हाइड्रोमैन। एज आई सेड कि काफी सारे लोग टिकटॉक को इसीलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टिकटॉकर्स को भी हेट करें। और जब तक मार्केट में नॉन चाइनीज टिकटॉक का कोई कंपटीटर नहीं आ जाता तब तक टिकटॉक या फिर टिकटॉकर्स कहीं नहीं जाने वाले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या यूट्यूब बेहतर है टिकटॉक से। यूट्यूब की बात करें तो फिल्मिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग ये सारी चीजें बहुत टाइम लेती है और ट्रस्ट मी गाइस, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पता है कि अगर आपको एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। और टिकटॉक पे भी इतना ईजी नहीं है गाइस, 15 सेकंड के अंदर किसी को हंसाना, किसी को एंटरटेन करना, किसी को इंस्पायर करना या फिर किसी को नॉलेज देना, इट्स अ बिग थिंग। और मैं यहाँ पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर और वीडियोस की बात कर रहा हूँ, वरना लाल पीली टी शर्ट तो कोई भी चेंज कर सकता है। Oh, no. बट एक चीज जो मैंने टिकटॉक पे नोटिस की है कि टिकटॉक पे टिकटॉक की बुराई करते हुए या फिर टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर कुछ वीडियोस है तो टिकटॉक उसे प्रमोट नहीं करता, वेयर एज यूट्यूब पे आपको यूट्यूब को क्रिटिसाइज करते हुए काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो जो टिकटॉक है वो काफी कंटेंट को सेंसर भी करता है जो कि यूट्यूब पे नहीं होता। यूट्यूब है वो एक काफी मैच्योर प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू टिकटॉक। टिकटॉक अभी भी एक टीनेजर्स प्लेटफॉर्म लगता है क्योंकि टिकटॉक पे जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाले वीडियोस है ना वो बहुत कम है कंपेयर टू यूट्यूब। सो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब डजंट रियली मैटर, बिकॉज ये दोनों प्लेटफॉर्म सिमिलर भी है और इन दोनों प्लेटफॉर्म में डिफरेंसेस भी है। सो एज अ ऑडियंस इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से क्रिएटर को सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। यहाँ पे मुझे गैरी वी की एक बात याद आती है जो उसने अपने एक टिकटॉक वीडियो पे बोली थी कि यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस आती है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए आती है, किसी क्रिएटर की वजह से नहीं आती है। सो ऑडियंस चाहे तो एक क्रिएटर को एक हीरो भी बना सकती है और चाहे तो आप समझ गए ना।
एज एन ऑडियंस मैं भी यूट्यूब और टिकटॉक पे वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं वहाँ पे, तो उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें व्यूज़ दो और उन्हें फेमस करो। किसी भी क्रिंज या फिर कचरा कंटेंट बनाने वाले को प्रमोट करके हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी शुड थैंक टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स बिकॉज जो हमारी लाइफ अभी इतनी स्ट्रेसफुल है, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन, उनमें भी वो लोग कंटेंट क्रिएट कर करके हमें एंटरटेन कर रहे हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, पर मुझे जो सही लगा, मुझे जो लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए एज अ क्रिएटर, वो मैंने पूरे इस वीडियो में बोला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्रिएटर पसंद नहीं आ रहा है देन अनफॉलो हिम और हर, प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट और डोंट डिफेम एनीबडी एंड डोंट ट्राई टू किल द क्रिएटिविटी। पीस आउट।